नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज 17 मार्च 2024 दिन रविवार है। आज का सूर्योदय सुबह 6:05 पर, चंद्रोदय सुबह में 11:08 पर है। सूर्यास्त शाम में 6:08 पर, चंद्रास्त रात्रि में 12:42 पर है। मास फाल्गुन मास है। तिथि अष्टमी तिथि है, जो कि रात्रि में 9:52 तक है। उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। योग आयुष्मान योग है, जो कि शाम में 5:06 तक है। उसके पश्चात सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र मृगशिरा है, जो कि शाम में 4:47 तक है। उसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कर्ण वृष्टि है, जो कि सुबह में 9:40 तक है। उसके पश्चात वक्रण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि रात्रि में 9:52 तक है। उसके पश्चात बालोकर्ण प्रारंभ हो जाएगा। वार रविवार है, पक्ष शुक्ल पक्ष है। चंद्र राशि मिथुन है, सूर्य राशि मीन है, असुर नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है, जो कि रात्रि में 9:05 तक है। उसके पश्चात उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ऋतु बसंत है और अयन उत्तरायण है। शक्षमत 1945 शुभाकृत विक्रम संवत 2080 नल। आइए आज के शुभ समय के बारे में जानते हैं। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से प्रारंभ होकर सुबह में 5:17 तक है और प्रातः संध्या का समय सुबह में 4:53 से प्रारंभ होकर सुबह में 6:05 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:42 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:30 तक है। अभिजय मुहूर्त दोपहर में 2:07 से प्रारंभ होकर दोपहर में 2:55 तक है। सायं संध्या का समय शाम में 6:08 से प्रारंभ होकर शाम में 7:19 तक है और गोधूलि मुहूर्त शाम में 6:05 से प्रारंभ होकर शाम में 6:29 तक है। अमृतकाल का समय सुबह में 7:44 से प्रारंभ होकर सुबह में 9:23 तक है। रवियोग का समय शाम में 4:47 से प्रारंभ होकर रात्रि में 9:05 तक है। निशिता मुहूर्त का समय रात्रि में 11:42 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:30 तक है। आइए आज के अशुभ समय के बारे में जानते हैं। आज का राहु काल शाम में 4:37 से प्रारंभ होकर शाम में 6:08 तक है और गुलिक काल का समय दोपहर में 3:07 से प्रारंभ होकर शाम में 4:37 तक है। भद्रा अश्वर की है, जो कि सुबह में 6:05 से प्रारंभ होकर सुबह में 9:40 तक है। अग्निवास अश्वताल में है, जो कि रात्रि में 9:52 तक है। उसके पश्चात पृथ्वी पर है। शिववास असमसान में है, जो कि रात्रि में 9:52 तक है। उसके पश्चात गौरी के साथ है। दिशाशूल आज का पश्चिम दिशा का दिशाशूल है। व्रतो त्यौहार में आज मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं आज की दिन की शुभ की चौघड़िया के बारे में। पहली चौघड़िया चर की है, जो कि सुबह में 7:35 से प्रारंभ होकर सुबह में 9:06 तक है। उसके पश्चात लाभ की चौघड़िया है, जो कि सुबह में 9:06 से प्रारंभ होकर सुबह में 10:36 तक है। उसके पश्चात अमृत की चौघड़िया है, जो कि सुबह में 10:36 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:06 तक है, लेकिन यह वार वेला का समय रहेगा। इसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचें। उसके पश्चात शुभ की चौघड़िया है, जो कि दोपहर में 1:37 से प्रारंभ होकर दोपहर में 3:07 तक है। आइए जानते हैं आज की रात्रि की शुभ की चौघड़िया के बारे में। पहली चौघड़िया शुभ की है, जो कि शाम में 6:08 से प्रारंभ होकर शाम में 7:37 तक है। उसके पश्चात अमृत की चौघड़िया है, जो कि शाम में 7:37 से प्रारंभ होकर रात्रि में 9:07 तक है। उसके पश्चात चर की चौघड़िया है, जो कि रात्रि में 9:07 से प्रारंभ होकर रात्रि में 10:36 तक है। उसके पश्चात लाभ की चौघड़िया है, जो कि रात्रि में 1:35 से प्रारंभ होकर रात्रि में 3:05 तक है, लेकिन यह काल रात्रि का समय रहेगा। उसके पश्चात शुभ की चौघड़िया है, जो कि 18 मार्च की सुबह में 4:34 से प्रारंभ होकर सुबह में 6:04 तक है। तो यह थी आज के पंचांग की संपूर्ण विस्तृत जानकारी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।